नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल, ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लव इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ हम जिस बात पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रेकअप। जहाँ प्यार होता है तो वहाँ पर कई बार रिश्ते टूटते भी हैं, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। तो इसी के बारे में मैंने कुछ टिप्स आपको कल दिए थे, कुछ बातें बताई थी कि जिसको आप अपनी लाइफ में अपना कर खुद को जो है उस तकलीफ़ को कम करने की, ख़त्म तो नहीं होगी, कोई भी तकलीफ़ किसी के कहने सुनने से ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा एक ऐसी आवाज़ हमारे पीछे होनी चाहिए जो हमारे कानों में पड़े, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी लाइनें जाएँ जिससे हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी हम अपसेट होते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अपसेट होते हो तो नहीं समझ में आता लाइफ में क्या करें, तो कुछ ऐसी लाइनें या चंद चीज़ें आपने सुनी हुई होती है कभी ना कभी कहीं से, तो वो चीज़ें जब आपको याद आती है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। तो ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं यहाँ, मैं आपको कुछ बता नहीं रही हूँ, ना मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, हाँ लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो भी मैंने देखा है, सुना है, जाना है, जितना भी अब तक, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बाकी सब कुछ आपको करना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी बोलकर चली जाऊँगी, लेकिन वो हिम्मत जो है आपने ही जुटानी है, आपने ही अपने अंदर लानी है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, चीज़ें बता सकती हूँ, या फिर इंटरनेट पर तो बहुत ही इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मोटिवेशन स्पीचेस देते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीचेस उनकी होती है जिन्हें सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वही होता है जब लाइफ को हम फेस करते हैं तो हम दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो कुछ पल का असर होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी अपने अंदर से आना चाहिए, जब तक हम अपने अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे तो ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है आसपास है वो नहीं बदल पाएगा। तो इसलिए हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदारों, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, किसी से नहीं सिखाई जाती है, वक्त के साथ साथ हमें सीखते हैं। मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बचपन से, सिचुएशन में मतलब कैसे क्या हैंडल करना है, मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि मेडिटेशन का कोई जात पात नहीं होती है यार, वो कोई भी कर सकता है और वो किसी को भी मदद कर सकती है उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। तो खैर उस बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे, अभी टॉपिक से बाहर नहीं निकलते हम। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेकअप की, तो आपने देखा होगा कईयों के ब्रेकअप होते हैं, तो कुछ होते हैं कि इजीली ब्रेकअप से बाहर निकल जाते हैं, उनको देख के लगता है कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको आगे बढ़ गए लाइफ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बोले तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस इंसान ने संभाल लिया खुद को और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ भूल कर, अंदर रख कर नहीं, ठीक है, छुपा कर नहीं। जब हम छुपा कर जीते हैं, जब झूठी हंसी अपने चेहरे पर लगाकर हम जीते हैं, तो अंदर से जल रहे और उस सामने चेहरे पर दिखा रहे कि हम खुश हैं, ऐसा हमें कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सिचुएशन वो दोबारा ज़िंदगी में आएगी तो इस वक्त जहाँ आपको दो गुना हर्ट कर रही है, वहाँ पर 3-4-5 गुना, पता नहीं कितना गुना हर्ट करेगी, और शायद आप उसे झेल भी ना पाए। इसलिए कभी भी कुछ भी अंदर छुपा कर हमें नहीं जीना है, उसे या तो पूरी तरह खत्म करना है या कम करना है, लेकिन अंदर नहीं रखना है कुछ भी, हमें अंदर रख कर नहीं जीना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, दूसरों को खुश दिखाकर अगर हम अंदर से दुखी है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, हमें अंदर से, अंतरात्मा से, अपने मन से, दिलो दिमाग से हमें खुश होना चाहिए जो भी हम ज़िंदगी में कर रहे हैं, उसमें कुछ बनावटी और दिखावे वाला ना हो। तो जब ब्रेकअप होता है तो कुछ लोग जल्दी बाहर आ जाते, कुछ ऐसे टूट जाते हैं ज़िंदगी में, लाइफ अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो कुछ लोग होते अपने आप को हर्ट करते, तो फेज़ वही है, नाम वही है ब्रेकअप, किसी ने धोखा दे दिया, ज़िंदगी रिश्ते तोड़कर ज़िंदगी से चला गया इंसान, लेकिन उसको डील करने का तरीका अलग अलग है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम उनके जैसे बन जाए, नहीं, इस दुनिया में हर इंसान जो है अलग होता है, अलग होता है इसीलिए वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है, लेकिन हमेशा की तरह हम सीख सकते हैं। मैं आपको ये बार बार बातें बताती हूँ कि हम जानते हैं कि सामने खाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर आग बंद कर उस पर चले, हमें हमेशा अलर्ट रहना है, सीखते रहना है कि हम किस तरह से बच सकते हैं, आखिरी सांस तक खुद को उससे बचा कर हमें रखना है। और जब ज़िंदगी में हम लड़ना सीख जाते हैं चीज़ों से, तो कई हद तक जो है कई चीज़ें अपने आप जो है आसान भी हो जाती है फिर, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, जो हम बचपन में थे वो बड़े होने के बाद नहीं होते, मतलब बचपन में जिन चीज़ों से दुखी हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे, वो बड़े होने के बाद इतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं डालती लाइफ में, और यही जब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ज़िंदगी में फिर ये जो फेस हम कर रहे हैं आज,
उस वक्त हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तब कोई और तकलीफ़ें होगी ज़िंदगी में, कुछ बड़ा वो हमें लगेगा। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है, चीज़ें, उसको देखने का नज़रिया, जीने का तरीका, सब कुछ हमारा जो है बदलता है। तो तकलीफ़ हुई है तो आंसू भी आएंगे, दर्द भी होगा, उसको छुपाना नहीं है आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, खुद को वक्त देना है। जब हम रिश्ते में आते हैं या फिर किसी रिश्ते से बाहर निकलते हैं, दोनों ही टाइम में हमें जो है खुद को वक्त देना है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट करी ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, भले ही आदि से आप अपना ना पाओ कल को, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आए लाइफ में तो ये चीज़ दिमाग में आएगी अचानक से, और एक बार आ गई तो हम उसे उस तरीके से अपने आप में ढाल लेंगे और उस तरीके से जीना सीख जाएंगे। तो वक्त जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप बुरे फेज से भी जा रहे हैं, लड़ सकते हैं उस फेज से, मतलब लड़ने के लिए मैं वो मार धाड़ की बात नहीं कर रही हूँ, और उस सिचुएशन से अगर आप लड़ सकते हैं, सामना उसका कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो खुद को हमें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए भी नहीं रुकना है, लेकिन कुछ वक्त के लिए रुकना सही होगा। जानिए, समझिए उस सिचुएशन को, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है उस वक्त में कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन तक तो रोना धोना चलेगा, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, अंदर से वो निकलनी चाहिए भड़ास, निकाल दो, रोकर निकाल दो। ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग करके जो भी है बाहर देखना, सूरज को उगते ढलते हुए देखिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन नहीं करना तो थोड़ा सा वॉक पर सुबह जल्दी उठकर बाहर जाकर आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप जो है इम्प्रूवमेंट लाएगा आपके अंदर। तो शुरुआत में मेरे ख्याल से अगर किसी का बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से किसी से रिश्ता टूटा है, तो शुरुआत में तो शायद इस शुरुआत क्या कुछ महीने वो इंसान शायद खुद को ना संभाल पाए, तो कोई बात नहीं, उस टाइम पे आपको खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि मैं दुखी हूँ नहीं, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं, कुछ भी अंदर नहीं रखना है आपको। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, उस वक्त उसे बाहर निकालने के लिए जो सही लगे, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, जो सही लगे वो कीजिए। वक्त दीजिए खुद को, वक्त देंगे अपने आप खुद को समझ में आएगा। तो कल मैं एक तो आज मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि खुद को वक्त देना है आपको, और जब थोड़ा सा समय बीतेगा तो फिर आप उसको हमेशा देखिए, जब तकलीफ़ हुई है तो शायद भीड़ में रहना बहुत मुश्किल है, उस वक्त हम अपने आप को अकेले करके रखना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ समय तक के लिए वो भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर अपने आप को हमेशा के लिए उस अंधेरे में अकेले रखना, ये भी सही नहीं है। कुछ वक्त देना है आपको, अंधेरा पसंद है उस अंधेरे में रहिए, क्योंकि कई बार अंधेरे में रहकर ही हम उजाले को ढूंढ पाते हैं, हमें अंधेरे में वो रोशनी, वो रास्ते दिखाई देते जो शायद रोशनी में ना दिखाई दे पाए। रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तब भी आंखें बंद हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते। तो यहाँ बात खुशियों की हो रही, जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों को नहीं देख पाते। तो जब हम अंधेरे में आए हैं तब हम जो ज़िंदगी के उस काले सच को देख पाते हैं, हकीकत को देख पाते हैं, और वहाँ से हमें रोशनी मिलती है। वक्त दीजिए खुद को, कुछ वक्त के लिए आगे रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, पर धीरे धीरे फिर बाहर निकलना है, लोगों से घुलना मिलना है, बातचीत करनी है, ट्रैवल कीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना पसंद है तो कोई अच्छी जगह पे, हिल स्टेशन जहाँ पे होते हैं, मतलब कुदरत हो, नेचर हो। एक चीज़ हमेशा याद रखनी हमें कि नेचर हमेशा हमारे साथ होता है। जब आप कोई भी इंसान आपके आसपास ना दिख रहा हो तो कभी भी महसूस करना, हवा हमेशा आपके साथ रहेगी, ये बादल, झरने, ये उड़ते हुए पंछी, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, फूल, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। नेचर से जुड़िए, बहुत ज़रूरी है। जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमारा नेचर भी कहीं ना कहीं बदलने लगता है। अच्छी लाइन है, लेकिन ये सच है कि जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो जो हमारा नेचर है, जो जीने का तरीका है, नज़रिया है, सोच है, वो भी बदलती है, और हमें एक सुकून मिलता है जो हम हमेशा लोगों में ढूंढते फिरते हैं, वो हमारे पास ही होता है, उन चीज़ों में होता है जो हर घड़ी हर पल हमारे साथ होती है। ऑक्सीजन हमारे साथ होता है, लेकिन हम रियलाइज़ करते नहीं। जब सांसें टूटने लग जाती है, जब नहीं मिलती है, तब हमें याद आता है कि ऑक्सीजन कहाँ पर है। तो वह हमेशा हमारे साथ है, उसे महसूस करना, नेचर को महसूस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप नेचर को फील करेंगे, महसूस करेंगे, किसी पेड़ को भी कोई इंसान नहीं गले लगाने के लिए, सुनने में अजीब सा लग रहा है, बेवकूफ़ों जैसी हरकतें लग रही है, शायद पागलपन लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा सोल्यूशन है। पेड़ को जाके हग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको कभी ना नहीं कहेगा, वो ये नहीं पूछेगा भाई तू कौन है और तू मेरे गले क्यों पड़ रहा है, हमारे पास क्यों आ रहा है, हमें क्यों छू रहा है, तुझे कोई हक है क्या, तुझे किसने परमिशन दी, वो कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको अपना लेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही आपका है। इस दुनिया में आसपास जितने भी चीज़ें हैं ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई है, उसे हमें महसूस करना है। तो कभी भी आप अकेले नहीं हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम इंसान हैं तो हम हमेशा खुद को इंसानों से ही जोड़ते हैं,
लेकिन हमारे पास आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे समय में अगर आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो नेचर पर कीजिए, वो अच्छे दोस्त हैं आपके, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था डायरी लिखिए, तो वो डायरी आप किसी पेड़ की छाव के नीचे, किसी गार्डन में किसी पेड़ की छाव के नीचे बैठ कर लिखेंगे तो और सुकून देगा, खुशी देगा अंदर से। ये बदलाव धीरे धीरे, ये ऐसी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में से अपनाएंगे तो ये कहाँ और कब और कैसे आप में बदलाव लाएंगे आप खुद भी नहीं जान पाओगे। वो जो सुकून आता है ना अंदर से, वो सुन के नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, आपके करने से आएगा। इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं आज यही कहना चाहती थी आपसे कि नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान का। ये हमारे अच्छे दोस्त रहे हमेशा से, हम इनसे बैर या दुश्मनी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे तो भी हम नहीं कर सकते, ऑक्सीजन भी ना दे सकते क्या? हमें रात का अंधेरा भी ज़रूरी होता है, सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है, सांस लेने के लिए पेड़ पौधे, नेचर, इन सब की सबकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सभी जो है हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए जीते हैं। लेकिन हम वही कहते हैं ना, इंसान की जो जिसे हमारी कदर होती है, हम उसकी कदर नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, बल्कि जो हमें तकलीफ दे रहा है या ज़िंदगी में हमारे बुरी बुरी चीज़ें ला रहा है, दर्द दे रहा है, हम उनके पीछे भागते हैं। तो हमेशा देखिएगा ये आपके आसपास है, आपके अच्छे दोस्त हैं, इनसे दोस्ती कीजिए, अपना दोस्त बनाइए। इसे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, करके देखिए, सच में बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दोस्त इंसान को अपना दोस्त बनाए और उनसे ही बातें कीजिए, नेचर से बातें कीजिए, वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं वो आपकी, और उन्हीं से बात करते करते आपको कभी ना कभी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। देर से सही लेकिन मिलेगा, आप एक इंसान बनेंगे, बेहतरीन अच्छे इंसान बनेंगे, अंदर से सुकून मिलेगा आपको। उस सुकून ढूंढने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी सेल्फ लव का एक पार्ट होता है। तो सेल्फ लव मैं जैसे कि हर बार आपको बता रही हूँ कि ये नहीं होता है कि खुद को दुनिया से सब चीज़ों से अलग कर लो। सेल्फ लव यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से जो है आपको सब कुछ जोड़ना है, अलग नहीं करना है। तो कुदरत प्रकृति हमेशा से हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, हमें उनसे दोस्ती करनी है। तो जब धीरे धीरे आप रो रहे हैं, रो के पूरा हो चुका है, अब अंधेरे कमरे में बैठे हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास देखिए। बाहर जाके दोस्तों से भी अभी नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं, अपने आसपास देखिए। तो सूरज है वो रोज निकल रहा है आपके लिए, ढल रहा है आपके लिए, चांद आ रहा है आपके लिए, हवाएं आपके लिए चल रही है, पेड़ पौधे आपके आसपास आपके लिए, और सब कोई आपके आसपास है, आपके लिए है। उनसे बातें कीजिए, उन्हें देखिए, बातें भी नहीं करनी तो सिर्फ देखिए, देखते धीरे धीरे आप उनसे बातें भी करेंगे। दिन तो ये सारे बदलाव धीरे धीरे होते हैं। तो नेचर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए, वक्त दीजिए अपने आप को, और जो चीज़ें मैंने आपको कल बताई उनको इस चीज़ के साथ जोड़ते हुए, जैसे कि मैंने बताया रात में हवाएं चल रही है, आपका दिल दुखी है, जो यहाँ से होता है लेकिन हम मानते हैं यहाँ से, तो जो भी है दुख है आपको अंदर से, तो बाहर कैसे निकालना है, थोड़ा सा बाहर चले जाइए, बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए अपने पास में, दिल में जो भी है अंदर भरा हुआ है, ठंडी हवाओं के चलते हुए उसे लिखिए, रोज़ धीरे धीरे लिखिए। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कब धीरे धीरे आपको सुकून दे रहा है। तो हमें बाहर से छलांग लगाकर खुद के ऊपर काम नहीं करना है, पहले हम खुद से ही शुरुआत करेंगे। बैठ गए, रो लिए, अकेले रह लिए, अब धीरे धीरे आसपास जो है उसे देखना, जानना शुरू करना है, दोस्ती करनी है, खुद को अकेलेपन से बाहर निकालना है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, मैं वो आपको कल वापस बताऊंगी। तो ध्यान रखना है कि समय देना है खुद को, नेचर से जुड़िए, उन्हें अपना अच्छा दोस्त बनाइए, वो आपके हमेशा काम आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाह रही हूँ, वो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेटर बनाने में आपकी मदद करेंगे पूरी तरह से। इसी अच्छी सोच के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।